हर महीने यह चैनल 3 से 4 लाख रुपए कमाता है घर बैठे। आपको यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है कि आपका ट्वेल्थ में इतना मार्क्स होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे एक अनपढ़ व्यक्ति भी न्यूज चैनल चला सकता है क्रिकेट का, जबकि आप क्रिकेट लवर हैं, आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। हर लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, तो आप फिर पीछे क्यों रहेंगे भाई? मेरा मकसद बस इतना होता है कि ना गरीब रहेंगे ना गरीब रहने देंगे, इसी डायलॉग के साथ जीते हैं और जीते रहेंगे। आप विश्वास कीजिए या फिर ना कीजिए। दोस्तों जब भी क्रिकेट की बात आती है तो आप बस एक ही चीज सोचते हैं, वही महेंद्र सिंह धोनी, वही विराट कोहली, वही रोहित शर्मा, वही चौका, वही छक्का, वही आईपीएल, वही वर्ल्ड कप। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं सोचते हैं। आप क्रिकेट के नाम सुनते हैं तो बस आप क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं फिर अपना एंजॉय करते हैं, खत्म। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाकर महीने का 10 लाख 12 लाख 15 लाख 25 लाख रुपया कमा रहे हैं? मेरा खुद का 22 चैनल है क्रिकेट पे, हर महीने 15 से 16 लाख रुपया बनता है। कैसे? मैं भी एक टाइम क्रिकेट लवर था, सिर्फ क्रिकेट देखता था, बाकी खत्म। लेकिन आप क्रिकेट चैनल से पैसा कैसे कमा सकते हैं, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले। वो भी आपको चेहरा नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ वॉयस ओवर करना है, आपको सिर्फ अपना आवाज देना है, आपको फेस नहीं दिखाना है, और हर महीने 5 से 8 लाख रुपया 2 लाख 50 हजार जितना आपका क्षमता है उतना आप कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? अगर आपको क्रिकेट का कंटेंट नहीं बनाने आता है, अगर आपको क्रिकेट का चैनल नहीं बनाने आता है, तो सब कुछ पूरा बारीकी से बात करने वाला हूं कि क्रिकेट का वीडियो डालकर आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो भी हर महीने। इसके लिए मुझे मोबाइल स्क्रीन पर चलना होगा और वहीं पर आपको समझाना होगा कि आखिर पैसा कैसे कमा सकते हैं आप, वो भी एक तो नहीं 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक आपको लग रहा है तो आप सबसे बड़े मूर्ख व्यक्ति हैं, क्योंकि आजकल दुनिया डिजिटल हो चुका है, हर लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, तो आप फिर पीछे क्यों रहेंगे भाई? मेरा मकसद बस इतना होता है कि ना गरीब रहेंगे ना गरीब रहने देंगे, इसी डायलॉग के साथ जीते हैं और जीते रहेंगे। आप विश्वास कीजिए या फिर ना कीजिए। चलिए सीधा मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्रिकेट चैनल को कैसे आप चला सकते हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको थंबनेल से लेकर वीडियो कैसे बनाया जाता है फुल डिटेल में समझाएंगे। तो इसके लिए मोबाइल स्क्रीन पर चलना होगा, और ज्यादा जानकारी के लिए अगर भाई से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ट्रस्ट है मेरे ऊपर, तो गोविंदा ठारे के इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। सीधा चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, बताते हैं आपको कि क्रिकेट का वीडियो कैसे बना सकते हैं और कैसे हर महीने 4 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं मोबाइल स्क्रीन पे, यहां पे मैं आपको एक चैनल दिखा रहा हूं प्रूफ के लिए। एक चैनल है न्यूज बुलेटिन, 6 लाख सब्सक्राइबर है, और इनका पॉपुलर अपलोड देखेंगे तो 5 मिलियन 4 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन व्यूज इस तरीके से है। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखेंगे तो देखिए 56,000, 78,000, 57,000, 51,000, 53,000, 90,000, 50,000 व्यूज यहां पे देखिए आप, इतना ज्यादा व्यूज आ रहा है, 3 लाख 1 लाख 2 लाख, मतलब व्यूज क्या है, बरसात हो रहा है क्रिकेट चैनल पे। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो क्रिकेट में काफी ज्यादा पैसा कमा रहा है। अगर आप क्रिकेट न्यूज सिर्फ सर्च करेंगे, जैसे क्रिकेट न्यूज सर्च करते हैं यहाँ पे देखिए, क्रिकेट न्यूज जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा चैनल दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए एक चैनल है न्यूज 24 आवर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए इनका भी चैनल पे पॉपुलर अपलोड 3 मिलियन 3 मिलियन 3 मिलियन, यहाँ पे भी क्रिकेट कंटेंट है, यहाँ पे भी सारा का सारा क्रिकेट का कंटेंट डाला हुआ है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो सिर्फ वॉइस ओवर होता है, जैसा कि मैंने अभी जो चैनल आपको दिखाया न्यूज बुलेटिन, इसका भी अगर वीडियो देखेंगे तो सारा का सारा वॉइस ओवर होता है। मैं आपको एक वीडियो चलाकर दिखा देता हूँ, ये देखिए वीडियो है इनका। यादव के बैक टू बैक जीरो पर आउट होने के बाद संजू सैमसन का भी बयान आ चुका है, आखिरकार सूर्य की जगह होने पर और भारतीय टीम को जिताने पर क्या बोले संजू सैमसन, उसका वीडियो चलिए हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या सूर्य कुमार यादव की जगह संजू सैमसन को टीम में मौका दिया जाना चाहिए था या नहीं? यहाँ पे आप वीडियो देखने के बाद क्या समझे, यहाँ पे सिर्फ फोटो चल रहा है, फोटो चल रहा है, और फोटो के बाद वॉइस ओवर कर रहा है, पीछे से एक म्यूजिक चल रहा है, बस इतना ही सा कंटेंट है। आपको ना चेहरा दिखाना पड़ रहा है यहाँ पे, सिर्फ आपको वॉइस ओवर देना है। और हर महीने यह चैनल की मैं बात करूं तो हर महीने सिर्फ यह चैनल की मैं बात कर रहा हूं, हर महीने यह चैनल 3 से 4 लाख रुपए कमाता है घर बैठे। आपको यहाँ पे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है कि आपका ट्वेल्थ में इतना मार्क्स होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स होना चाहिए, नहीं। यहाँ पे एक अनपढ़ व्यक्ति भी न्यूज चैनल चला सकता है क्रिकेट का, जबकि आप क्रिकेट लवर हैं, आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है 5 दिन में 6 दिन में, हो सकता है जब वीडियो आप देख रहे होंगे आईपीएल शुरू हो गया हो, इस आईपीएल में आपके पास सुनहरा मौका है कि 10 दिन में 5 दिन में 20 दिन में चैनल को मोनेटाइज करें। स्टार्टिंग में मान लीजिए 20,000 कमाएंगे, 50,000 ही कमाएंगे, कम से कम माता पिता से पैसा तो नहीं मांगना पड़ेगा। सबसे बड़ा बात यह है, बहुत से लोगों को क्रिकेट चैनल चलाना नहीं आता, बहुत से लोग तो विश्वास भी नहीं करते हैं कि क्रिकेट चैनल से पैसा भी मिलता है। लेकिन मैं खुद भी कमाया हूं, मेरा खुद का भी बहुत सारा क्रिकेट का चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूं अपना चैनल भी बहुत सारा। जैसे यहां पे आते हैं तो चैनल सर्च करते हैं अपना, ठीक है क्रिकेट देखिए, चैनल सर्च किए
ये मेरा चैनल, ध्यान से देखिए, और इस चैनल के अगर पॉपुलर अपलोड पर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 मिलियन 2 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन इस तरीके से व्यूज दिख रहा है। इस चैनल से सिर्फ मैं अब तक 5 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिख रहा होगा। और इसके अलावा ना जाने मेरे कितने सारे ऐसे चैनल्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को भी कवर करते हैं। बहुत सारे क्रिकेट चैनल हैं जो भाई हर महीने 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं? जब यहाँ पे वॉइस ओवर देना है, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कंटेंट आप कैसे बनाएंगे, तो बस यही बताने के लिए मैं आया हूं कि आप क्रिकेट चैनल को कैसे चला सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, थंबनेल कहां से बनेगा, आप फोटो कहां से यूज करेंगे, सारा कुछ बताएंगे आपको। इसके लिए देखिए, सबसे पहले कंटेंट की बात करते हैं, फोटो की बात करते हैं। अगर हमें कोई भी चैनल बनाना है तो एक फोटो का जरूरत पड़ता है, बहुत सारा फोटो का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम बैक आएंगे, ठीक है? अगर आपके पास ट्यूटर है तो अच्छी बात है, ट्यूटर नहीं है तो डाउनलोड कीजिए, आईडी बनाइए। तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्यूटर, हम यहाँ पे चलते हैं ट्यूटर पर। ट्यूटर पर यहाँ पे सर्च में आएंगे, तो यहाँ पर सर्च में आने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सर्च बॉक्स है। ट्यूटर पर सर्च करेंगे क्या, और यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं जैसे BCCI का जो ओरिजिनल पेज है, देखिए BCCI हमने सर्च किया, 20 मिलियन फॉलोवर है BCCI का। और यहाँ पे देखिए, आप मीडिया पे जाइए, मीडिया पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा वीडियो और बहुत सारा फोटो देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको कोई भी वीडियो यूज नहीं करना है, अगर आप वीडियो यूज भी कर रहे हैं तो 3 सेकंड यूज कर सकते हैं, 2 सेकंड यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद फोटो चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूंगा आपके लिए, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप फोटो का यूज कीजिए। जैसे ये फोटो है, इस फोटो को मैं क्या करूंगा कि यहां पे क्लिक करूंगा, सेव पे क्लिक कर दूंगा, फोटो सेव हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर से नीचे जाऊंगा, यहां पे भी फोटो है, इस फोटो को भी जाऊंगा सेव कर दूंगा, ठीक है? नीचे जाऊंगा, बहुत तरीके का फोटो है क्रिकेट का, सारा फोटो इसी तरीके से मैं सेव कर लूंगा, ठीक है? मान लीजिए जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था तो मैं सारा फोटो इसी तरीके से सेव कर लूंगा, और बाकी अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलते रहता है। जैसे देखिए, कितना रन कौन मारा, किसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, BCCI आपको सारा अपडेट देता है। यहां से एक अपडेट ले सकते हैं, यहां से फोटो ले सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है गूगल, गूगल में जाएंगे, जिस भी खिलाड़ी के ऊपर न्यूज बना रहा है, जिस भी खिलाड़ी के ऊपर कंटेंट है मेरा, उनका क्या करेंगे, नाम सर्च करेंगे। जैसे विराट कोहली का हमें फोटो चाहिए तो विराट कोहली लिख दिए, विराट कोहली जैसे ही लिखे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। अब विराट कोहली लिखेगा तो उनका हाईलाइट न्यूज भी यहाँ पे दिखाई देगा, यहां से भी आप कंटेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर फोटो लेना है तो इमेज पे जाएंगे, और यहाँ पे भी विराट कोहली का बहुत सारा फोटो है, क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? क्लिक किए, डाउनलोड किए, इस तरीके से। तो फोटो लेने का मैंने कितना जगह बताया आपको, ट्विटर, BCCI के ऑफिशियल पेज से ले सकते हैं या फिर गूगल से। और उसके अलावा फिर से ट्विटर में आएंगे, अगर हमें IPL पे बनाना है तो यहाँ फिर से सर्च में आएंगे, और देखिए सर्च में यहाँ पे आते हैं, ठीक है? यहाँ पे सर्च में आते हैं, अगर IPL पे न्यूज बनाना, मान लीजिए हमें RCB पे न्यूज बनाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जैसे ही लिखे इनका वेरीफाई ID यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे भी इनका न्यूज जो भी जानना होगा तो यहाँ पे खुद यह आपको न्यूज अपडेट करते हैं। देखिए, RCB से विराट कोहली जुड़ चुके हैं, चले गए हैं उनके ड्रेसिंग रूम में, तो यहाँ पर अपडेट दिया गया है, आप इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। विराट कोहली पहुंचे RCB के ड्रेसिंग रूम में, कंटेंट बनाना, आपको यहां से भी कंटेंट बहुत सारा मिलेगा। और फोटो लेना है तो यहां से ही फोटो ऐसे जाएंगे, फिर से ले लेंगे, ठीक है? ये हो गया। और इसके अलावा जिसका भी लेना है, जिस भी टीम का, तो यहां पे आपको सर्च करना है, ठीक है? और ले लेना है फोटो, फोटो अगर आपको लेने में समस्या आती है तो फोटो ले लिए गूगल से, ट्विटर से, 2-3 जगह से मैंने बता दिया। यह वीडियो बड़ा जाएगा लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, क्रिकेट का पूरा नॉलेज देकर जाएगा आपको। यहां पर फोटो लेने के बाद आपके पास फोटो हो गया, अगर आपके पास कंटेंट नहीं मिल रहा तो कंटेंट भी मैंने आपको बताया कि कंटेंट आप वहीं से ले सकते हैं। अगर आपको वहां से भी कंटेंट नहीं मिल रहा है तो नॉर्मली यूट्यूब में जाएंगे, और बहुत तरीके का चैनल, जैसे मैं अभी जो 2-3 चैनल दिखाया आपको, जैसे ये चैनल है, या फिर इसके अलावा बहुत सारा, देखिए क्रिक मीडिया एक चैनल है, क्रिक मीडिया हम सर्च करेंगे, ठीक है? क्रिक मीडिया हम सर्च किए, यहाँ पे सर्च किए तो देखिए एक चैनल आया, यह चैनल में देखिए डेली का व्यू है 40,000 50,000 62,000, मतलब व्यूज बहुत तगड़ा आ रहा है। और यहाँ पे कंटेंट इनका जो भी है, हम इसी कंटेंट को सेम बनाएंगे, जो ये कंटेंट बना रहे, जो यह वीडियो बना रहा है ना, उसी वीडियो को हम बनाएंगे। बस हम क्या करेंगे कि इनका ना वीडियो लेंगे ना थंबनेल लेंगे, थंबनेल खुद से बनाएंगे, वीडियो भी खुद से बनाएंगे, लेकिन यह जो बोल रहा है जिस टॉपिक पे, जैसे इनका कंटेंट है, देखिए ऊपर में इनका कंटेंट है IPL 2023 के 5 खतरनाक नए नियम से कांप रहे हैं सभी 10 कप्तान, तो हम भी इसी पे बनाएंगे, जो यह बोल रहे हैं हम भी इसी को बोलेंगे, इस पे कोई कॉपीराइट कोई स्ट्राइक नहीं आएगा, बिकॉज यह क्रिकेट का कंटेंट है, क्रिकेट का न्यूज है, इस पे किसी का बाप का अधिकार नहीं है, ठीक है? आप इसको बना सकते हैं।
तो कंटेंट ढूंढना चैनल से ढूंढ सकते हैं, फोटो कहां से लेना है मैंने वो बता दिया आपका, दो समस्या खत्म। अब बात आती है कि थंबनेल, थंबनेल कैसे बनेगा। तो थंबनेल बनाने के लिए नॉर्मली पिक्सल लैब में जाएंगे, ठीक है, पिक्सल लैब में जाएंगे तो इस तरीके से खुलता है पिक्सल लैब, ठीक है। यहां पे आपको इस पे क्लिक करना है ऐसे, और यहां पे देखिए आपको दिख रहा है क्या, और डिलीट का ऑप्शन, तो डिलीट पे जाएंगे डिलीट कर देंगे। यहां पे थ्री डॉट का ऑप्शन है, थ्री डॉट पे जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, यहां पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यह हो गया, ये हो गया आपका यूट्यूब साइज थंबनेल। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो रिसेंट में फोटो डाउनलोड किया, देखिए विराट कोहली का जितना डाउनलोड किया फोटो, और विराट कोहली का यह फोटो नहीं, हम यह फोटो लेते हैं, ठीक है। तो यह फोटो क्या करते हैं, इसे छोटा करेंगे, थंबनेल बनाना सिखा रहे हैं आपको इस तरीके से। देखिए यहां पे इस फोटो को यहां सेट किए, फिर उसके बाद फिर प्लस पे जाएंगे यहां ऊपर में, और फिर फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, और फिर से आईपीएल का एक फोटो लेंगे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। इस फोटो को लेने के बाद देखिए फिर से ऐसे जूम करेंगे, ऐसे थंबनेल बनाना आपको सिखा रहे हैं, देखिए यहां पे एकदम नॉर्मल सा थंबनेल जो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। इस तरीके से दो फोटो हमने सेट कर दिया, और अब हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो ए में जाएंगे, यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, एडिट में जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे आरसीबी से जुड़े विराट कोहली, हमारा टाइटल है आरसीबी से, यहाँ पे लिखेंगे आरसीबी से जुड़े विराट कोहली, अब ये मेरा हो गया टाइटल। और उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आरसीबी से जुड़े विराट कोहली, और कुछ भी अगर आप अपने अनुसार कुछ ऐसा टाइटल देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप आरसीबी से जुड़े विराट कोहली लिख के हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको जूम करते हैं इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा करने के बाद आपको ए जो लिखा हुआ है इसी में रहना है, जो दो नंबर के ऑप्शन में, इधर जाएंगे हम लोग, स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाएंगे, ठीक है, बैकग्राउंड पे जाकर इस पे क्लिक करेंगे, और बैकग्राउंड हम मान लीजिए येलो कर देते हैं, ठीक है, येलो करते हैं। और इसके बाद इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ा, इसको बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ा, और ऊपर वाला बढ़ाएंगे तो ऊपर बढ़ा, और उसके बाद इसी ए में ही रहना है आपको, कलर पे जाना है, और इसको मैं ब्लैक ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। यह हो गया थंबनेल, और थंबनेल को आप जितना बड़ा कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं। यह हो गया, और यह हो गया, यहाँ पे हमने एक थंबनेल बना दिया, क्या थंबनेल बनाया है, आरसीबी से जुड़े विराट कोहली, और यहाँ पे आप इसी पे क्लिक कर देंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, देखिए फिर इस तरीके से आ गया, कॉपी किए तीर दिए नीचे, उसके बाद फिर से देखिए हम जाएंगे बैकग्राउंड में, ठीक है, और जो ऊपर का ये पार्ट निकला हुआ है इसको कम करने के लिए देखिए जो दिख रहा है, देखिए इसको ऐसे बराबर कर देंगे, ठीक है, और नीचे वाला को बढ़ा देंगे ऐसे, और ऐसे लिख के यहाँ पे लिख देंगे फैंस, फैंस के लिए खुशखबरी ऐसे लिख दिए। और इसको लिखने के बाद नॉर्मली ऐसे करेंगे, ठीक है, देखिए ये बहुत बहुत बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब फिर से बैकग्राउंड में जाएंगे, और यह जो है हमारा ये वाला, ये देखिए इसको छोटा कर देंगे, और इधर से इसको छोटा कर देंगे, इधर से इसको ऐसे छोटा कर दिए, और इधर से मान लीजिए इसको भी इतना कर देते हैं, ठीक है। और इसको करने के बाद यहाँ पे कलर जो है हम कर देंगे रेड, इस तरीके से प्लस पे आप क्लिक करके कलर भी बना सकते हैं खुद से, और रेड कर दिए, और उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको कलर पे जाएंगे, और फिर से यहाँ पे व्हाइट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे सेट कर दिए। तो इस तरीके से हम थंबनेल बना दिए, इस तरीके से क्या बन गया, थंबनेल। देखिए बहुत लोगों को थंबनेल बनाना अब समस्या होता है, इसलिए मैं थंबनेल बना के आपको दिखाया शुरू से, यह एक थंबनेल हुआ मेरा, और इस थंबनेल को यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे, कस्टम पे जाएंगे, अल्ट्रा पे जाएंगे, सेव टू गैलरी कर देंगे, यह मेरा थंबनेल बन गया, ऐड आएगा, आप स्किप कर दीजिए। अब बात आता है कि आप वीडियो कैसे बनाएंगे, थंबनेल आपने बनाना सीखा, आपने फोटो बनाना, फोटो डाउनलोड करना सीखा, कंटेंट ढूंढना आपको सिखाया, कंटेंट आप ट्विटर हैंडल से भी ढूंढ सकते हैं, उनका जो मेन पेज है आईपीएल का, सभी टीमों का और बीसीसीआई का, उसके अलावा आप गूगल से भी न्यूज ले सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे चैनल से भी न्यूज ले सकते हैं, आप उसी को बना सकते हैं जो थंबनेल मैंने आपको बना के भी दिखा दिया। उसके बाद आता है वीडियो कैसे बनाए, तो वीडियो बनाने के लिए नॉर्मली काइन मास्टर ऐप को ओपन करना होगा, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो वीएन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे काइन मास्टर पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, और 16:9 का रेशियो लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए फोटो जो भी डाउनलोड किया वो ट्विटर में गया होगा, तो ट्विटर को पहले ढूंढेंगे, क्योंकि ट्विटर से हमने बहुत सारा फोटो डाउनलोड किया है, तो ट्विटर है कहाँ, यहाँ देखिए ट्विटर यह मिला, तो ट्विटर से यह फोटो लेंगे सारा, ठीक है, मैंने ट्विटर से हम फोटो लिए 2 मिनट 28 सेकंड का लिए, यह हो गया। और यहाँ पे अब आप ध्यान से देखने वाली बात क्या है आपके लिए, यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है कि यह फोटो देखिए एक तरफ से ब्लैक हो गया और फोटो आधा रह गया, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और
फिर यहाँ पे देखिए जो कैंची दिख रहा है आपको, कैंची के बगल में इस पर क्लिक करने के बाद एक ए दिख रहा है, तो इसको ऐसे खींचेगा तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है, जूम हो रहा है ना, तो इस तरीके से जूम कीजिएगा, इसको लॉक कर दीजिएगा। फिर आगे जाएंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर से इस कैंची वाले के बगल में इसको करेंगे और फिर इसको इसे जूम हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सबको जूम कर देना ताकि ब्लैक ब्लैक ना दिखे, आपका वीडियो प्रोफेशनल दिखे, लोग समझे कि नहीं आप अच्छा एडिटर हैं, आप अच्छा वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे फिर क्लिक किए, यहाँ पे देखिए फिर से गए, फिर से इस तरीके से ऐसे ही लगातार करना है, ऐसे जैसा दिख रहा है आप लगातार इस तरीके से करना है, और लगातार इस तरीके से ऐसे करना है, लगातार ऐसे करते जाना है, देखिए करते जाना है, करते जाना है, ऐसे ही आपको पूरा कर देना है, ठीक है। उसके बाद पूरा करने के बाद देखिए प्लस का एक ऑप्शन है, ठीक है, प्लस का ऑप्शन है तो प्लस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट करके कुछ आता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे यह इफेक्ट दिखेगा, और जो इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा गेट मोड पर क्लिक कीजिएगा ऐसे, और गेट मोड पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये इफेक्ट मेरे को लेना है क्लॉक वर्क, तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो गया। देखिए क्लॉक वर्क ऊपर में आया, तो इस पर क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट को ऐसे यूज करेंगे, ऐसे किए तो देखिए इससे क्या फायदा हो रहा है कि वीडियो स्क्रॉल हो रहा है, ध्यान से देखिए वीडियो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। वॉइस ओवर करते टाइम लोगों के बीच में इफेक्ट चलते रहता है। उसके बाद ऐसे करेंगे, अगला प्लस पे जाएंगे, फिर से अगला लेंगे, इसी तरीके से आप लगातार ऐसे इफेक्ट को करते जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट है इसमें, सब इफेक्ट को ऐसे ही लगातार लेंगे, लगातार लेंगे, ठीक है। जितना लेना है आपको, जितना बड़ा वीडियो है उसके अनुसार आपको ऐसे ही लेते रहना है, ठीक है। देखिए आपको दिखाते हैं बाद में करने के बाद, प्लस पर क्लिक करते जाइए, लेते जाइए, जो आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है उसको यूज कीजिए, और इस तरीके से आप सारे में कर दीजिए, सारे में। तो मैं सारा करूंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको इतना करके दिखा दिया, यह बहुत है आपके लिए, इतना सीखने के लिए, आप करते जाइएगा करते जाइएगा। और उसके बाद अब आपको जरूरत पड़ती है एक बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो नॉर्मली बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि MCS एक होता है, ठीक है, एप्लीकेशन नहीं है, YouTube है, YouTube पे चैनल है, वहां पे MCS सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेगा, आप वहां से बैकग्राउंड म्यूजिक कोई सा भी ले सकते हैं। मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करूंगा, ऑडियो पे गया, फोल्डर में गया, और बहुत सारा देखिए म्यूजिक है, जैसे कोई भी म्यूजिक हो आपके लिए, तो देखिए हम कोई सा भी एक म्यूजिक ढूंढ लेते हैं, मिल तो नहीं रहा है कोई म्यूजिक बढ़िया सा, और म्यूजिक इसमें रखा होगा। देखिए यहाँ पे है नो कॉपीराइट म्यूजिक, है ना, मान लीजिए यह म्यूजिक हम ले रहा है, यह म्यूजिक है, तो यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे और म्यूजिक को ऐड कर देंगे, म्यूजिक ऐड हो गया, देखिए म्यूजिक चल रहा है, ठीक है। और हमको न्यूज बनाना है तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसको हल्का सा छोटा करेंगे, और शुरुआती का म्यूजिक इतना छोड़ देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कट कर देते हैं, ऐसे आप नहीं भी करेंगे, मैं बस एक प्रोफेशनल वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसका फुल म्यूजिक रखेंगे और इसका थोड़ा सा हाफ कर देते हैं, यहाँ पे इसका कम कर देते हैं, हम कितना कर देते हैं, 16 कर दिए, 15 कर दिए। अब यहाँ से म्यूजिक तेज बजता हुआ आएगा, देखिए, और यहाँ स्लो हो जाएगा, यहाँ स्लो हो गया, और यहाँ पे हम आप अपना यहाँ से वॉइस ओवर करेंगे, यहाँ से जहाँ से म्यूजिक स्लो किए। अब मान लीजिए मेरा थंबनेल क्या था, थंबनेल था मेरा विराट कोहली आरसीबी से जुड़े फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। अब हमको यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे ऐसे, रिकॉर्डिंग पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पे नॉर्मली स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक किए ऐसे, और यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे क्या, देखिए जो भी मेरा थंबनेल है उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आरसीबी से जुड़े विराट कोहली फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। तो क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते वही वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया का सीरीज खत्म कर अपने टीम आरसीबी से जुड़ गए, जो फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दोस्तों 31 मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है, जहां पर आईपीएल की सभी टीमें अपने अपने खिलाड़ियों को बुलाकर नेट प्रैक्टिस में उतार रही है, तो विराट कोहली भी अपने नेट प्रैक्टिस के लिए अपने टीम से जुड़ चुके हैं। और दोस्तों यह कहीं ना कहीं आरसीबी के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि विराट कोहली को भी टाइम चाहिए थोड़ा सा नेट प्रैक्टिस के लिए, कुछ इस तरीके से कंटेंट को आप बोलेंगे, ठीक है, जिस तरीके से बोले आप, अब बोलने के बाद इसको रोक देंगे जितना भी आप बोलना चाहें। और आप यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जहां से हम बोले हैं, मान लीजिए बोले हैं थंबनेल उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे देखिए हमारा मान लीजिए हमारा गलत पार्ट है, रिकॉर्ड करेंगे क्या, जहां से हमारा पार्ट है मान लीजिए यहाँ पे हम आए, ठीक है, और इस तरफ का पार्ट गलत है, तो नॉर्मली यहाँ जाएंगे और लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट का कट गया, ठीक है, कैंची पर जाकर, उसके बाद यहाँ से जहां से इसका स्लो म्यूजिक है इसको ला दिए, ठीक है, और अब एडिटिंग करेंगे हम लोग। देखिए आरसीबी से जुड़े विराट कोहली सुनिए फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, तो क्या खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करें। यहाँ पे म्यूजिक कम लग रहा है तो म्यूजिक पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे
इस पर क्लिक किए, फिर यहाँ पे क्लिक किए और उसके बाद म्यूजिक को हल्का सा ऐसे बढ़ा दिए। और प्रोफेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रिवर्ब है, रिवर्ब पे जाएंगे और स्टूडियो में जाएंगे, ठीक है, आवाज प्रोफेशनल हो गया। उसके बाद नीचे जाएंगे और डकिंग को ऑन कर देंगे। फैंस के लिए सबसे बड़ी कुछ खबरी, अब आवाज मीठा निकल के आ रहा है, देखिए पूरी डिटेल में लेकर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप सभी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया का सीरीज खत्म कर अपने, ऐसे मैंने क्या किया ना, अपना फेस दिखाया, घर बैठे ही वीडियो बना दिया। आप गाँव में रहकर, गांव में रहकर पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ अपना वॉयस देना है, इससे पैसा कमाना है। क्रिकेट का मेरा 22 चैनल है और मैं 22 चैनल से सोचिए अगर अभी आईपीएल आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, आईपीएल वर्ल्ड कप में अगर पैसा कमाना शुरू करूंगा तो कितना ज्यादा अर्निंग होने वाला है। जितने भी क्रिकेट चैनल है मेरे भाई, सबका अर्निंग काफी ज्यादा होता है। मैंने कई बार आपको दिखाया भी है अर्निंग, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप मेरे पॉपुलर अपलोड में जाइए और देखिए, मैंने अर्निंग को भी प्रूफ दिखाया है। और यहाँ पे मान लीजिए मेरा वीडियो बना, ठीक है, और मान लीजिए बीच में गलती हो गई आपसे बोलते बोलते, तो अगर उसको कट करने आपको नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा समस्या होता है, मैं बताते चल रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से मेरा गलती है, नीचे जाएंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कैची का, इस पर क्लिक करेंगे और अगर कट करना है जिधर का भी उधर का कट कर देंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। और उसके बाद वीडियो को वॉइस ओवर करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और नॉर्मली सेव एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट हो जाएगा वीडियो, वीडियो आपका सेव हो जाएगा, चला जाएगा गैलरी में। दोस्तों यह वीडियो मैं बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं और बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो क्रिकेट के ऊपर वीडियो चाहते थे, जो क्रिकेट को शुरू से देखना चाहते थे कि क्रिकेट पे कैसे आकर वीडियो बनाएंगे, उनका कंटेंट कहां से मिलेगा, फोटो कहां से मिलेगा, उनको नहीं पता था। मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया, वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा कर गया है। तो आप इस तरीके से क्रिकेट का चैनल चला सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं जमकर, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्यादा जानकारी के लिए गोविंद 18 का इंस्टाग्राम है, फॉलो कीजिएगा और तब तक के लिए बाय बाय।